अदरक का पेस्ट डाल, प्याज डाल दिया। मसाला ना प्याज हल्का सा ब्राउन ब्राउन कलर हो गया था। हेलो गाइस, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी लोगों का भाग्यश्री उत्तराखंडी ब्लॉग पे। सो गाइस, अभी होली खेलने के बाद मेरा मन किया कुछ चटपटा सा खाने का, तो मैंने सोचा और तो कुछ नहीं है घर पे, जो भी चीज़ अवेलेबल है मैंने कहा उन्हीं सब चीज़ों से अभी मैं थोड़ा सा बिरयानी टाइप बना लेती हूँ, वेज बिरयानी। सो मैंने प्याज कट करके रख दिया, बीन्स कट करके रख दी, ये मैंने क्या बोलते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लिया, इसमें थोड़ा सा आलू और सोयाबीन यानी कि न्यूट्रला डाल दी, और इसमें टमाटर है, और मैंने चावल पहले से ही बॉईल करके रख दिए। और मेरे पास लोहे की कढ़ाई थी अभी, तो मैंने लोहे की कढ़ाई, मैंने कहा जल्दी से इसी में हो जाएगा, अब मेरा मैंने कहा फटाफट से बना लेती हूँ। फिर मैंने इस पे जीरा डाल दिया, गर्म हो गया था ना घी, तो मैंने जीरा डाल दिया। अब मैं फटाफट से इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देती हूँ। इसके थोड़े से इसको करने के बाद मैंने प्याज डाल दिया। जो मेरे पास कटा हुआ प्याज था मैंने प्याज डाल दिया। थोड़ा सा इसको मिक्सअप कर लिया मैंने। इसके बाद जब मैंने प्याज डाला ना प्याज हल्का सा ब्राउन ब्राउन कलर हो गया था, अब मैंने इसमें टमाटर डाल दिए। इसमें टमाटर डालने के लिए थोड़ा सा मैं डालूँगी इसमें नमक, ताकि जल्दी टमाटर गल जाए। थोड़ा इसको भून लेंगे आप इसमें। अब मैं इसमें डाल दूँगी कटी हुई बीन्स, बीन को भी आपस में थोड़ा मिक्सअप कर लूँगी। बीन को मिक्सअप कर लिया मैंने, मिक्सअप करने के बाद थोड़ा सा मैंने बीन पक जाए इसलिए मैं इसमें मैं हल्दी मिर्ची सब डाल देती हूँ, सारे मसाले डाल देती हूँ। खड़े मसाले मेरे पास थे पर अभी मुझे दिख नहीं रहा कहाँ पे हैं, इसलिए मैं इसमें हरी मिर्ची डाल दी, थोड़ी सी हल्दी डाल दी, नमक डाल दिया, धनिया डाल दिया, इसी में जीरा पाउडर भी मिक्स है, ये मैंने हल्दी डाल दी, इसे भी मिक्स कर लेती हूँ। गैस का फ्लेम थोड़ा सा मैंने धीमा कर लिया, और इसी में फिर मेरे आलू कटे हुए थोड़ा सा बॉईल आलू थे और सोयाबीन थी, ये भी। अब मैं इसमें हल्का सा पानी डाल देती हूँ ताकि ये अच्छे से पक जाए बीन, क्योंकि कच्ची रहती है ना, कच्ची कच्ची कर रहती है, ये थोड़ा पक जाए, मसाले भी पक जाए। 4 मिनट के बाद जब मैंने खोल के देखा ना गाइस, खोलते उसको देखा, वाह गाइस, इसका कलर देखिए कितना, और उनका स्वाद इतना अच्छा होगा ना इसका, कितना मतलब लजीज लगा एकदम से। अब इसमें मैं जो मैंने चावल पहले से ही बॉईल करके रखे थे ना, वो मैं डाल दूँगा। इनको मिक्सअप कर दूँगी इसमें, ये देखिए ये सारा मैंने इकट्ठा कर दिया है, इसमें मिक्सअप हो गया सब कुछ। और जी जिसको जल्दी से भूख लगी आ जाओ भाई, बन गई है मेरी क्या बोलूँ उसको, आप जो भी बोले खिचड़ी बोले पुलाव बोले या मिक्स वेज बोले, तैयार हो गई। इसके साथ कुछ भी खाने की आपको, कुछ भी मिक्स करके खाने की
ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ इसमें मिक्स है, बस आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, दही की नहीं, दूध की नहीं, घी वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं आपको थाली में बन डाल के दिखाती हूँ कैसा लग रहा है आप लोगों को, जिसको ना भूख लगी है जल्दी आ जाओ। ये लीजिए हमारी वेज बिरयानी तैयार है। आप जो भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप सभी लोगों का धन्यवाद मेरी इस वीडियो को देखने के लिए।